बच्चों, हम कक्षा 12वीं में इतिहास के अंतर्गत महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, पिछले अध्याय में भी आप लोग को गांधी जी के बारे में बताया था कि वह किस तरह से आए, उनका नाम क्या था, वह किस तरह से वकालत करके लौटे अफ्रीका से, और उसके बाद फिर यहाँ राजनीति में प्रवेश किया। अब हम देखेंगे कि वह महात्मा गांधी जो थे, वह सहयोगी से असहयोगी कैसे हो गए। यहाँ पर महात्मा गांधी जी जो हैं, पहले प्यार से, मतलब अच्छे से उनको बोलकर भारत को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब वहाँ से वकालत करके लौटे तो यहाँ की जो परिस्थितियाँ थी वह पूरी बदली हुई थी, जिसमें कि उस समय जब वह राजनीति में प्रवेश किए और महात्मा गांधी जब भारत के वापसी के समय जो था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस युद्ध काल में महात्मा गांधी जी ने जो था भारतीय ब्रिटिश सरकार के साथ पूरा पूरा सहयोग करने की अपील की थी, और गांधी जी के इस सहयोग की सराहना के कारण उनको केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। लेकिन प्रारंभ में जब 1918 में जब प्रारंभ में महात्मा गांधी को जो ब्रिटिश के शासन की जो न्यायप्रियता का पूरा विश्वास था, किंतु जैसे ही कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई जिससे कि वह प्रभावित होकर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो है वह असहयोग रूप जो है वह धारण कर लिया था। इसके लिए कुछ घटनाएं जो हैं उत्तरदायी थी, जिसको कि हम आगे बताएंगे। तो सबसे पहले है प्रथम विश्व युद्ध का कारण। जिस तरह से हमने अभी बताया कि प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी सहयोग कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया था कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगा हम आपको आपका स्वराज्य के रूप में आपको भारत सौंप देंगे, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों ने उस ऐसा नहीं किया। फिर 1917 की जो क्रांति हुई थी, 1917 की क्रांति में जो है ये रूस जो है वह स्वतंत्र हुआ था, रूस स्वतंत्र हुआ था। इस क्रांति को देखकर भी गांधी जी ने उसको अपने देश को आज़ाद कराने के लिए प्रयास किया। फिर 1919 का अधिनियम, 1919 में जो अधिनियम पारित हुआ था उसके विरोध में भी लोगों को संतुष्ट नहीं थे, जो अधिनियम पारित किया गया था जिसमें कि बिना केस चले, बिना उनको न्याय दिए कोर्ट केस होना नहीं है और सीधे उनको जेल भेज दिया जाता था। उसी तरह से रॉलेट एक्ट, जो रॉलेट एक्ट जो था यह अधिनियम भी बनाया गया था, इसमें भी बिना उनको वकालत किए, बिना वकील के, बिना उनको बराबरी का हक न देकर उनको सीधे जेल में भेज देना। फिर है जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला बाग आप लोग ने 10th में भी पढ़ा है कि जलियांवाला बाग जो है वह बैसाखी के दिन जो था वह अमृतसर में वह सभा की जा रही थी, जहाँ पर निकासी की सिर्फ एक ही जगह थी, जिसमें जनरल डायर ने जो था उनने क्या किया था, चारों तरफ से घेर कर गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जब तक गोली चलाना था जब तक कि गोलियां खत्म ना हो जाए। इस तरह से उस समय बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी, बहुत से लोगों की हत्या हो गई थी, जिसके खिलाफ में जो था ये कांड के कारण भी असहयोग करने का प्रयास किया। फिर एक खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन के अंतर्गत भी मुस्लिमों को भी भड़काने का प्रयास किया था, उनको भी बहुत सारी सुविधाएं देने के लिए आश्वासन दिया गया था, लेकिन जैसे ही प्रथम युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद जो है उन्होंने उन्हें भी किसी तरह का समर्थन नहीं दिया, किसी तरह से सहयोग नहीं किया। इस तरह से हिंदू और मुस्लिम जो थे वे दोनों ही मिलकर खिलाफत आंदोलन में जो चालू हुआ था उसमें गांधी जी ने उनको समर्थन दिया था, इस तरह से हिंदू मुस्लिम जो है एक हो गए थे। इस प्रकार से इसके परिणाम स्वरूप जो है असहयोग आंदोलन जो है वह प्रारंभ हुआ था, जिसमें सीता पट्टाभिरैया जो थे वे थे, उसमें जो खिलाफत पंजाब की भूलों की अपर्याप्त सुधार जो त्रिवेणी पानी किनारे जो है इस तरह बह चला, जैसे कि राष्ट्रीय असंतोष की जो धारा थी वह बहुत ही बड़ा रूप ले लिया था। फिर उसके बाद जो कुछ लक्ष्य जो थे, स्वराज हमें स्वशासन का जो लक्ष्य था वह हमें प्राप्त करना है, तो स्वराज के लक्ष्य के लिए कुछ घोषित भी किया गया था, कुछ नियम बनाए गए थे, कुछ रचनात्मक कार्य के लिए किए गए थे। तो सबसे पहले था कांग्रेस का सदस्य बनाना, किनको, वयस्कों को कांग्रेस का सदस्य बनाना, फिर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन करना, फिर भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस की समितियों का पुनर्गठन करना, फिर हाथ की कताई बुनाई को ही प्रोत्साहन देना, मतलब स्वदेशी जो था उस वस्त्र का, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करना कि हिंदी का प्रयोग करना। इस तरह से सरकार को कर देने से भी मना कर दिया, यहाँ पर सरकार को कर देने से मना करने से जनता की अपील की थी, और जिसमें कांग्रेस की नई नीतियों को भी चालू किया गया था, जिसमें एनी विसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, विपिन चंद पॉल,
सर नारायण चंद्रवाकर, शंकर नायर, ये सारे जो थे कांग्रेस को छोड़ दिए थे। फिर असहयोग आंदोलन के कुछ कार्यक्रम थे जिसमें कुछ रचनात्मक कार्य थे और कुछ नकारात्मक कार्यक्रम थे। तो रचनात्मक कार्यक्रमों के अंतर्गत यदि हम राष्ट्रीय विद्यालय, पंचायती अदालतों की स्थापना करना, अस्पृश्यता का अंत करना, हिंदू मुस्लिम एकता, स्वदेशी प्रचार, कताई बुनाई का प्रसार करना, फिर उसके बाद नकारात्मक, नकारात्मक मतलब हमको उन चीज़ों को वापस करना या उनके लिए मना करना, जैसे जो सरकारी उपाधियाँ प्राप्त हुई थी उनको सब वापस करना, फिर सरकारी स्कूल जो कॉलेज थे वो अदालतें थी इनका भी बहिष्कार करना। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने राष्ट्रीय विद्यालय पंचायती अदालत की स्थापना की ताकि हम सरकारी नौकरी छोड़कर हम देसी जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए हम लागू करें। फिर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, स्वदेशी का प्रचार करना, अवैतनिक पदों से स्थानीय निकाय नामांकित पदों से त्याग पत्र देना था। फिर असहयोग आंदोलन जो था गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, जिसमें कि पश्चिम भारत, बंगाल, उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को पूर्ण सफल रहा। इस तरह से नवीन राष्ट्रीय स्कूल कॉलेज की भी स्थापना की गई थी, जिसके साथ साथ जब उन लोगों ने अंग्रेजों की नौकरियां छोड़ी, अंग्रेजों से सरकारी स्कूलों से बहिष्कार किया, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हुआ। इससे गांधी जी ने अपना केसरी हिंद, चुलूले युद्ध पदक, बोअर पदक, इस तरह से इन्होंने सबने क्या कर दिया था, वापस जो पदक उन्हें प्राप्त हुई थी, जो सम्मान प्राप्त हुआ था, वह सारे वापस कर दिए थे। इस तरह से बहिष्कार में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार में सफल रहा, विदेशी कपड़ों के आंदोलन के समय इस तरह से ये प्रारंभ हुआ और गांधी जी जो है दिन प्रतिदिन जो है यह असहयोग आंदोलन था वह बढ़ता ही चला गया था। इससे जनसाधारण में उत्साह का जो बहुत ही संचार हुआ था। फिर असहयोग आंदोलन का जो दृश्य हम देखेंगे कि असहयोग आंदोलन का एक दृश्य ऐसा था जिसमें कि उन्होंने क्या किया था, जब भड़काने वाले भाषण में प्रेरित होकर गांधी जी ने मालाबार मोपलों में हिंसा के भयंकर कृत्य कर डाला, जिसमें गांधी जी ने इस हिंसात्मक गतिविधियों का उन्होंने व्यथित हो उचे थे। यह था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरा चोरी कांड नामक से यह प्रसिद्ध है, जिसमें कि 5 फरवरी 1922 को एक भीड़ ने जो है उस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें कि 22 जवान जो है थाने के अंदर जिंदा जल गए थे। इस तरह से असहयोग आंदोलन समाप्त यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि यह कई बार क्वेश्चन आता है कि असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त किया गया था, तो उसमें आप लोग ये लिख सकते हैं चोरा चोरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था या वहीं पर स्थगित कर दिया गया था। इस तरह से हम कहते हैं स्थगित कर दिया गया था ये। फिर असहयोग आंदोलन जब चरम बिंदु पर था और गांधी जी द्वारा आंदोलनों को निर्णय को जब वापस लिया तो लोगों को बहुत ही आघात पहुंचा, जैसे कि हमने देखा कि ये आंदोलन जो है एक चरम सीमा पर पहुंच चुका था। इस तरह से मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सीआर गोपालाचारी, अली बंधु आदि जो थे गांधी जी के ये जो निर्णय थे इसकी उन्होंने आलोचना की और आंदोलन को समाप्त करने के निर्णय के संबंध में गांधी जी ने यंग इंडिया में भी लिखा है कि इस तरह से आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान और हर एक बात जो है वह मैं सहन कर सकता हूँ। वह इसलिए क्योंकि हिंसा नहीं करना चाहते थे, वे अहिंसा से ही देश को आज़ाद कराना चाहते थे। फिर महात्मा गांधी और किसान, गांधी जी जो है जनसाधारण में अत्यंत लोकप्रिय होने के साथ साथ वह मसीहा के रूप में भी जाने जाते थे, उनको चमत्कारिक व्यक्ति भी कहा जाता था, क्योंकि वे अंग्रेजों से भयभीत होकर जिले से भाग जाने वाले व्यक्ति नहीं थे, वह किसी भी तरह से किसानों को वह न्याय दिलाना चाहते थे। इस तरह भारत के किसानों को भी गांधी जी एक उद्धारक के समान थे, जिसको कि उन्होंने महात्मा गांधी, गांधी बाबा, गांधी महाराज, महात्मा आदि के नाम से भी उनको लोग बोलते थे, मतलब इस तरह से उन लोगों को जो सम्मान सूचक जो भाषा थी वह उनको बोला जाता था। और उनकी जो जीवन शैली थी उन्होंने धोती और चरखे जैसे प्रतीकों को महत्व दिया और साथ ही साथ एक सादा जीवन व्यतीत करने लगे थे। साथ ही साथ वे एक व्यापारी और पेशे से एक वकील थे, लेकिन उसके बाद भी वह साधारण सी सूती जो धोती पहनते थे और वह अपने कार्य में लग जाते थे। फिर राष्ट्रवाद के स्वरूप में परिवर्तन, महात्मा गांधी जी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जब सक्रियता
के परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप भी परिवर्तित होने लगा था। निसंदेह यहाँ पर जन अनुरोध किसी भी प्रकार से कपट मुक्त था, क्योंकि जो जनता का अनुरोध था वह इसमें किसी भी प्रकार का कपट नहीं था। इस तरह से कुशल संगठनात्मक संस्थाओं के कारण यहाँ पर आधार जो था वह अधिक व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसी तरह से उनकी भावना, राष्ट्रवादी जो भावनाएं थी उसके कारण प्रजा मंडलों की श्रृंखला भी स्थापित की गई थी, राष्ट्रवादी सिद्धांतों का भी प्रचार प्रसार किया गया था और राष्ट्रवादी संदेशों को संचार के लिए शासकों की जो अंग्रेजी भाषा के स्थान पर मातृभाषा को प्रोत्साहित किया गया था। इस तरह से भारत की जो कृत्रिम सीमाओं की अपेक्षा जो है भाषाई क्षेत्रों पर आधारित की गई थी और साथ ही साथ सुदूर हिस्सों तक कांग्रेस की तीव्रता का प्रसार हुआ था। इसके साथ साथ वे महत्वपूर्ण कार्य में था, इससे लोग अछूते नहीं थे।